बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दास्तान एपिसोड नंबर 12 के ट्रेलर नंबर 1 के हवाले से। आज के हमारे मौजूद कुछ यूँ रहेंगे, क्या अल्पागो इकस को फांसी की सज़ा देंगे, इसके साथ साथ बातों का समझदार है और वो बोल सकता है, क्या अल्पागो उसे भी फांसी की सज़ा देंगे या वो बच जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या अलवेजा हातून की गद्दारी सामने आ जाएगी। तमाम तर मालूम जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत नाज़रीन अकरम, जैसे कि एपिसोड नंबर 11 बहुत ही शानदार ही, अगर बात करें इकस की तो मैं आप नाज़रीन को बताता चलूं, इकस और बातुगा मिलकर अल्पागो से बात करेंगे और वो उसे हकीकत का बताएंगे। इसी तरह इकस की मौत नहीं होगी। अगर बात करें बातुगा की तो जैसे कि उसने कहा है कि मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए, जबकि कौंसिल और सब मेंबरान बैठेंगे तो इकस और बातुगा बताएंगे कि तस्लम हातून को अलवेजा हातून ने गद्दारी के तौर पर सामने लाया। इसी तरह अल्पागो ने बग़ैर कौंसिल को बिठाए फैसला कर दिया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। इसी तरह आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे चीनी गद्दार के तौर पर सामने आएंगे। इसी तरह हम देखेंगे अलवेजा हातून की गद्दारी पकड़ी जाएगी, अल्पागो को मालूम हो जाएगा कि अलवेजा हातून ही गद्दार थी। इसी तरह आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे बातुगा और इकस अल्पागो के करीब हो जाएंगे। इसी तरह ये दोनों मिलकर पहाड़ी कबीले और गो कबीले को मुतहद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल दास्तान के हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।